नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना शर्मा। राजस्थान में मौसम लगातार करवट ले रहा है। जी हाँ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते राजस्थान समेत उत्तर भारत के कई राज्य एक बार फिर से कड़ाके की ठंड की चपेट में आने लगे हैं। राजस्थान पर मंडरा रहे पश्चिमी विक्षोभ से एक दो दिनों में फिर से तापमान में गिरावट आएगी। साथ ही पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते शीतलहर का दौर भी शुरू होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दो दिनों के लिए राजस्थान में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी कर दिया है। राजस्थान के कई जिलों में मौसम ने करवट ले ली है, जिसके चलते आज सुबह से ही कई जिलों में हल्के बादल और ठंड का जोर बढ़ गया है। राजधानी जयपुर को आज सुबह से ही घने कोहरे ने घेर रखा है। कोहरा इतना घना है कि 30 मीटर की दूरी तक भी साफ दिखाई नहीं दे रहा, जिसके चलते वाहनों को दिन में ही लाइट का सहारा लेना पड़ रहा है और रेंगते हुए चल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में मौसम के इस बदलाव के चलते राजस्थान में फिर से तापमान में 5 से 6 डिग्री की गिरावट आएगी और सर्दी और बढ़ेगी। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान समेत आसपास के क्षेत्रों में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसका असर 2 से 3 दिनों तक रहेगा। ऐसे में राज्य के कई जिलों में बारिश होने के साथ ही ओले गिरने के आसार हैं। अपने इंटरव्यू के जरिए लोगों को अपने और अपने काम के बारे में बताने से बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता। और वो इंटरव्यू अगर ऐसे चैनल पर हो जिसमें प्रदेश के 2,70,000 से भी ज्यादा लोग सब्सक्राइबर्स हो, तो आपकी आवाज को बुलंद होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ उसी इंटरव्यू को हम लाखों की रीच और 3 लाख से भी ज्यादा फॉलोवर्स वाले राजस्थान संवाद के फेसबुक पेज पर भी प्रसारित करेंगे। इसके अलावा फेसबुक के कई ग्रुप्स के जरिए वो इंटरव्यू लगभग 50 लाख लोगों तक जाएगा। प्रोफेशनल न्यूज रूम और प्रोफेशनल एंकर के साथ स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो में लिया जाएगा आपका इंटरव्यू। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सैटेलाइट चैनल्स को टीवी पर देखना अब लोगों ने लगभग बंद कर दिया है और उन्हें भी YouTube या Facebook पर ही देखा जा रहा है, तो इससे बेहतर क्यों ना आपका प्रचार एक डिजिटल चैनल पर ही हो, जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी पहुंच पाए और जो सिर्फ आपके बारे में बात करे, किसी और मुद्दे के बारे में नहीं। तो राजनीतिक रूप से आपको छाना हो या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाना हो, करवाइए अपना इंटरव्यू और पहुंचाइए अपना नाम लाखों करोड़ों लोगों तक।